हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूँ। एक और नई खबर आपके बीच में लाई हूँ भाई साहब। भारतीय सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, एक घोषणा की गई है कि प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस क्या है, क्यों मनाया जाएगा, ऐसा क्या हुआ था 25 जून को, ये सारी की सारी व्याख्या आज के 10 मिनट शो में की जाएगी। आज का तथ्य, आज की चर्चा, देखो परीक्षा संबंधी तो है ही है जन महत्वपूर्ण, लेकिन इसको भी जानना होगा कि आखिरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, आपातकाल उपबंध क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से अधिकार छिन जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी से उपस्थित हो जाइए। आज का टॉपिक है, हर साल भारतीय सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अगर आपने विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, व्हाट्सएप को भी नहीं किया है तो कर लीजिए। हम एक एक करके चर्चा करेंगे व्यवस्थित रूप से। केंद्र सरकार मोदी 3.0 ने घोषणा की है कि 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और उसको लेकर के सरकार ने एक नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना भी जारी कर दी है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री या फिर मैं यूं कहूं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकालीन की घोषणा की थी, इमरजेंसी लागू करने संबंधी घोषणा कर दी गई थी। अब इस पूरी खबर को मद्देनजर रखते हुए जब तीसरी बार मोदी सरकार आई है तो इस टॉपिक पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया और घेरावबंदी का पहला चरण देखने को मिला, जिसमें 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाना या फिर इस रूप में कहलाए जाने के लिए घोषणा की गई है। 25 जून संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1975 में इसी दिन संपूर्ण राष्ट्र में नेशनल इमरजेंसी केंद्र सरकार यानी कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लागू की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद यह लागू करने का ऐलान किया गया था। हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को रद्द कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश आया जिसके तहत रायबरेली से इंदिरा गांधी जो चुनाव लड़ती हैं उनका निर्वाचन वहां से रद्द कर दिया और अगले 6 साल तक उनकी चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इलाहाबाद के हाईकोर्ट के न्याय इस आदेश के बाद इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग लगातार पूरे राष्ट्र में और इंपॉर्टेंटली उत्तर प्रदेश में मांग की जानी शुरू की गई। जगह जगह इस संबंध में आंदोलन भी किए जाने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने के पास ये जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस आदेश को बरकरार रख दिया। अब क्या होगा, जब मुझे मेरी सत्ता में लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा और जब ये देखा जाएगा कि इसका एक प्रभाव संपूर्ण जनता पर पड़ सकता है तो इसके बाद आपातकाल की घोषणा ही कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस मामले इस आदेश को निराकार करते हुए 6 साल के प्रतिबंध चुनाव लड़ने पर जब आया तो फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस संबंध में जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर दी गई है यानी एक्स अकाउंट पर दी गई है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र पर गला घोट दिया था। अब इस रूप में इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। क्या क्या प्रभाव हुआ, तो लोगों को, लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया, मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का अब फैसला ले लिया है। अब इस उन लोगों के महान योगदान जो कि इस आपातकाल में जबरन आ गए थे और याद उन महान योगदान को याद रखने के लिए इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये चर्चा जब आई है तो हम गहराई में तो उतरेंगे ही उतरेंगे, आखिरकार आपातकाल कैसे और कब लगता है इसके बारे में जानकारी रखना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति यह राष्ट्रीय आपातकाल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मुहर लगाने का काम केवल राष्ट्रपति के हाथ में होगा, लेकिन कब, कहाँ, कैसे और कैसे क्या काम करना है इसका पूरा अधिकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता
सत्ता वाली मंत्रिमंडल के हाथ में होगा। इसके तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करना, संपूर्ण देश या फिर किसी राज्य विशेष में अकाल, बाहरी देशों के आक्रमण या आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था के अस्थिर हो जाने पर ऐसी स्थिति को उत्पन्न किया जा सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अभी तक भारत में कुल 3 बार आपातकाल या इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ये जो संविधान हत्या दिवस की बात चल रही है वो 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि 1975 में आपातकाल लगा गया था, तो थोड़ी और बात करेंगे इसके बारे में कि यह जो हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया गया और फैसले के बाद रायबरेली पर निर्वाचन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया और 6 साल तक के लिए किसी भी प्रकार की निर्वाचन गतिविधियों में शामिल होने को मना कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग पूरे देश में शुरू हो गई। आंदोलन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, है ना। इसके बाद आपातकाल की घोषणा करना एक सामान्य बात था। राजनीतिक दल इसे आंतरिक फैसला मानते, ऑब्वियस सी बात है, इंदिरा सरकार और कांग्रेस को घेरा और साथ ही साथ आपातकाल की पूरी तरह से निंदा की, क्योंकि यह एक अमानवीय घटना थी जिसमें कई जो निरपराधी व्यक्ति थे उनको इसमें बलि चढ़ना पड़ा। तो क्यों इसको संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया, क्या कैसा इसका इतिहास रहा है और आपातकाल क्या होता है, ये सारी हमने चर्चा कर ली है और ये जरूरी था आपके बीच में उपस्थित करना कि संविधान हत्या दिवस आखिरकार मनाया क्यों जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे, आप मुझे बताएंगे कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो एक प्रबंध है वो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। ये जानकारी आप मुझे दे देंगे तो बड़ा बेहतरीन होगा। मैं मिलूंगी आपको कल की कक्षा में सुबह 8 बजे, करंट अफेयर्स की कक्षा में हम मिलते ही रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी तो सब बिंदास है। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।